अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इलियास चिश्ती। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सरफ एरियल बनाने का तरीका बताएंगे। आज आपको सरफ एरियल बनाने की रेसिपी बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डर रही हैं और इनका क्या रेट है। काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं, कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि इलियास भाई आपने रेट नहीं बताया। ये बहुत अच्छी बात है, आपको किसी चीज़ का रेट पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपको दिखाएंगे सरफ एरियल बनाने का तरीका। ये आपको दिखाते हैं सरफ एरियल बनाने का तरीका। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ सरफ बनाने वाली मशीन का अंदर का एरिया। ये ऐसा ब्लेड लगा होता है सरफ वाली मशीन के अंदर जो सरफ को मिक्स करता है, ठीक है। ये देखें ऐसे मशीन को, ऐसे इसके अंदर बेल्ट लगे हुए हैं। यह है सोडा ऐश, 5 kg सोडा ऐश। सोडा ऐश का रेट है 50 रुपये पर kg किलो, ठीक है। 5 किलो सोडा ऐश है 250 रुपये का। यह मशीन के अंदर डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद है ये साइलेंट पाउडर, ठीक है। जैसे आपको पहले बताया था कि आयोडीन पाउडर, ये तकरीबन 4 किलो आयोडीन पाउडर है। इसका रेट है 20 रुपये पर किलो पर केजी। उसके बाद ये है हाइड्रोजन, 100 ml हाइड्रोजन, ये डालना है आपने इसके अंदर। ये वाइट आयल है, 100 ग्राम वाइट आयल है। ये 90 रुपये लीटर हाइड्रोजन, वाइट आयल 100 रुपये किलो है। शैम्पू बेस 120 रुपये किलो है। सिल्फोनिंग तेल 220 रुपये किलो। नैनसा पाउडर, ये देखें नैनसा पाउडर, 150 ग्राम नैनसा पाउडर, 30 रुपये पाओ, 120 रुपये किलो ये है। ये आप डालेंगे इसके अंदर सबसे पहले। उसके बाद आपने डालना इसके अंदर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया कि 90 रुपये लीटर पर लीटर है ये। सबसे पहले ये आपने हाइड्रोजन डाल देना इसके अंदर। हाइड्रोजन डालेंगे तो सरफ उभारना नुमा हो जाएगा, ये देखें उभर रहा है सरफ। उसके बाद आपने मशीन का ढक्कन बंद करना है, ये मशीन का ढक्कन बंद हो गया। उसके बाद मशीन चलानी है। मशीन चलाने के बाद शैम्पू बेस, सबसे पहले शैम्पू बेस डालना है आपने, डाल दिया। उसके बाद आपने डालना है इसके अंदर वाइट आयल। वाइट आयल डालने के बाद सिल्फोनिंग, 1 किलो सिल्फोनिंग आयल। इसके बाद सेंस है, सेंस आपने डालना है। हमारे पास तो ये मुहैया है सेंस, ये देख ले रहमन ऑयल। आप जो सा मर्जी डालना चाहें, जो आपको फरमाइश हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखें ये सरफ तैयार, एरियल सरफ तैयार है। ये देखें दोस्तों, ये एरियल सरफ तैयार हुआ है। इसमें सब्ज़ कलर के आपको दाने दिख रहे हैं, ये देखिए। दोस्तों आज हमने आपको दिखाई सरफ एरियल बनाने की रेसिपी, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेनी है तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे नील बनाने का तरीका, नील बनाने का तरीका और नील को पैक करने का, सेल करने का तरीका। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।